वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश वो सूबा जहां हर चुनाव में बाहुबलियों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में कई बाहुबली नेता ऐसे हैं जिन्होंने जेल के अंदर से चुनाव तक जीता है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं का मुकाबला जब महिला नेताओं से हुआ तो बाहुबलियों का तिलिस्म चूर चूर हो गया। आज उन्हीं महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने यूपी के बाहुबलियों को सियासत के मैदान में हराया है। पूजा पाल बीएसपी का बड़ा नाम है। उनके पति राजू पाल भी बीएसपी विधायक थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप लगा बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी विरासत को उनकी पत्नी पूजा पाल ने संभाला। यूपी की इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पहली ही बार में उन्होंने पूर्व सांसद अतीक अहमद के बाहुबल और धनबल को चकनाचूर करते हुए उनके भाई अशरफ को हरा दिया। उस चुनाव के बाद ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पूजा पाल ने शहर पश्चिमी से अतीक अहमद के तिलिस्म को खत्म कर दिया था। अलका राय गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। उनके पति कृष्णानंद राय की सरेआम नृशंस हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप लगा सजायाफ्ता डॉन मुख्तार अंसारी पर। पति की मौत के बाद अलका राजनीति में आई और मुख्तार के भाई जो मोहम्मदाबाद से विधायक भी थे उन्हें पटखनी दी। अब इस सीट पर अलका राय का ही दबदबा है और उनके आने से मुख्तार का साम्राज्य सिमट रहा है। राजकुमारी रत्न सिंह कालाकांकर राजघराने से हैं। वो प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। प्रतापगढ़ सीट पर शुरू से इसी राजघराने का दबदबा रहा है, लेकिन राजा भैया के राजनीतिक उदय के साथ इस परिवार का प्रभाव कम होता चला गया। रत्न सिंह 1996 और 1999 में प्रतापगढ़ से कांग्रेस की लोकसभा सांसद रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बाहुबली राजा भैया के करीबी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दरअसल राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने राजकुमारी रत्ना सिंह को हरा दिया था, लेकिन राजकुमारी ने हार नहीं मानी और 2009 में फिर से वापसी की। उन्होंने इस चुनाव में राजा भैया के करीबी को शिकस्त दी। इसे राजा भैया पर रत्ना सिंह की जीत माना गया था। रामलली मिश्रा जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है। वो अब यूपी की सियासत का जाना माना नाम बन चुकी हैं। 2016 के एमएलसी चुनाव में उन्होंने बाहुबली विनीत सिंह के भाई को करारी हार दी थी। विनीत सिंह ने सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को जिता नहीं पाए थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।